बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। उम्मीदवारों के नाम पर देर रात तक मंथन हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बीजेपी आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट में यूपी की 51 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है और अब दूसरी सूची में 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। तो आज बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। सोमवार को बीजेपी सीईसी की बैठक हुई थी, उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन हुआ है और आज दूसरी लिस्ट बीजेपी के सामने आ सकती है। ऋषभमणि त्रिपाठी इस पर लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभमणि, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार मंथन चल रहा है उम्मीदवारों के नामों को लेकर और माना जा रहा है कि आज दूसरी लिस्ट भी बीजेपी जारी कर देगी। देखिए, अब ये वो सीटें बचेंगी जिनको लेकर के कहीं ना कहीं से चर्चा चलती रही है, कुछ विवाद रही है, कुछ उम्मीदें रही हैं। हम बात कर लें मेनका गांधी की, वरुण गांधी की, रायबरेली में कौन प्रत्याशी होगा, रीता बहुगुणा जोशी की सीट है प्रयागराज वाली, वहां पर क्या होगा, कानपुर में सत्यदेव पचौरी हैं, देवरिया में रमापत राम त्रिपाठी हैं। तो ऐसी जो तमाम सीटें हैं जिस पर लोगों की निगाह बनी हुई है, वो सीट इस दौर में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, लिहाजा इस बात की चर्चा अब तेजी से शुरू होने लगी है। तो वही जो सहयोगी दल है सुभाषपा, अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ओपी राजभर के पुत्र की ओर से घोसी में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अपना दल एस को हमेशा से दो सीटें मिलती रही, माना जा रहा है कि उनको दो सीटें मिलेंगी। वो दो सीटें कौन कौन सी होंगी, एक तो पूरी उम्मीद जताई जा रही है अनुप्रिया पटेल लड़ेंगी, तो दूसरी पे कौन लड़ेगा। आरएलडी जो उनका सहयोगी दल है उसको पहले से दो सीटें दी जा चुकी है। निषाद पार्टी उनका सहयोगी दल है, लेकिन जो वहाँ के उनके जो मुखिया हैं संजय निषाद, उनके बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद पहले भी भाजपा के सिंबल पे संत कबीर नगर से सांसद बने थे, इस बार भी उनका नाम दिया जा चुका है। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर राजनीतिक दलों में कुछ भगदड़ मचनी है या भाजपा में अगर कोई भगदड़ मचनी है कि कुछ लोगों का टिकट कटता है तो वो किसी और दल की ओर देख सकते हैं, तो वो यही लिस्ट होगी। इसलिए इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और ये माना जा रहा है कि आज ये लिस्ट आ सकती है।